हेलो, वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन। उत्तर प्रदेश की एक और भर्ती पर लग चुकी है रोक। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आपने भी इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और आप इंतजार कर रहे थे कि जल्दी यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी, तो यहाँ पर आपके लिए ये अच्छी अपडेट नहीं है। लेकिन अपडेट है तो आपके साथ शेयर की जा रही है। जी हाँ, बात हो रही है स्टाफ नर्स की, और स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में रिक्त पद जो कि 1729 थे, इन पदों पर रोक लगा दी है हाई कोर्ट ने। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इसकी परीक्षा कराई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर 2021 नर्स की जो परीक्षा है 1729 पदों पर, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर रोक लग चुकी है। साथ ही मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए भी कह दिया गया है, और ये आदेश मंजू रानी चौहान जी के माध्यम से प्रीति पटेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया है। जो याची हैं उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 4743 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले थे, उसमें से तकरीबन 3000 पदों पर उसने भर्ती पूरी कर ली, बाकी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उसने सरकार के यहाँ पर समक्ष उन्हें भेज दिया। सरकार अब रिक्त पदों पर विज्ञापन निकाल कर भर्ती करने की तैयारी में है, यानी कि जो रिक्त पद इस पर भर्ती रहकर तो उसे अलग से विज्ञापन निकालने पर तैयारी थी। इसी कारण से कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और कहा है कि अंतिम आदेश के आने तक 1729 पदों पर भर्ती पर रोक रहेगी। कोर्ट ने मामले में सरकारी अधिवक्ता से जवाब भी यहां पर दाखिल करने के लिए कहा है। अब जो अगली सुनवाई है वो 9 मई को होनी है, और उस दिन कुछ अंतिम निर्णय जो है देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो निर्णय है हाई कोर्ट का वो सही है, क्योंकि रिक्त पद थे तो उस पर मेरिट को डाउन करते हुए अभ्यर्थियों का चयन होना अनिवार्य था, लेकिन सरकार के माध्यम से, शासन के माध्यम से ऐसा ना करते हुए अलग से विज्ञापन निकालना सही नहीं है, इसी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से रोक है। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।